आज आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं। खबर यह है कि आप लोगों को हैरान कर देगी। जब लोकसभा का गठन हुआ था तो संसद भवन के सभागार में प्रथम सांसद महाराजा बहादुर कमल सिंह, जो आज भी जीवित है, वो बक्सर जिले के डुमराव के रहने वाले हैं। उनकी योगदान काफी अतुलनीय रही है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या किसी हर क्षेत्र में उनकी योगदान रही है। और आज वही डुमराव अनुमंडल के तमाम अधिवक्ताओं ने भारत सरकार से उन्हें भारत रत्न सम्मान दिलाने की गुहार लगा रही है। भारतीय संसद के सर्वनिम्न काल 1952 से लेकर 1962 के माननीय सदस्य महाराजा कमल सिंह संभवतः एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो उसके साक्षी स्वरूप आज भी जीवित हैं। नमस्कार, मैं संजना भारती और टाइम्स फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। लोक सेवा के क्षेत्र में उनका अवदान अत्यंत प्रेरक एवं बेमिसाल है। आदर्श सांसद एवं जनसेवक के दुर्लभ गुणों से संभवित उनका व्यक्तित्व अत्यंत उदात्त एवं चरित्र उज्जवल है। ये हमारा सौभाग्य है कि वे आज भी हमारे बीच जीवित हैं और देश दुनिया की खबर रखते हैं। आज राजनीति एवं समाज में आई गिरावट, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग तथा लूट खसोट से महाराजा को अपने को जनसेवक कहने वाले प्रतिनिधियों व्यक्तियों से बेहद तकलीफ होती है। भारतीय संसद की गरिमा को गर्त में मिलाने को आतुर संसद सदस्यों के कार्य से वो खिन्न रहा करते हैं। ऐसी परिस्थिति में माननीय सांसद की आदर्श प्रतिमूर्ति को आज तक भारत सरकार द्वारा सम्मान के योग्य नहीं समझा गया है। यह अत्यंत दुख एवं क्षोभ की बात है। आज भारत सरकार के लिए यह गौरव की बात होगी कि महाराजा को भारत रत्न सम्मान प्रदान कर एक नई मिसाल, एक नई सोच को जनमानस के समक्ष प्रस्तुत करें। ऐसा इसलिए कि स्वातंत्र्योत्तर भारत के विकास के मद्देनजर महाराजा ने मुक्त हस्त से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं प्रमुख क्षेत्रों में अमित दान दिया और पुरानी संस्थाओं को दान तो दिया ही है, नई संस्थाओं को भी खड़ा किया है और स्थापित किया है। अपने क्षेत्र बक्सर बिहार के बाहर आरा, सासाराम के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में प्रशंसनीय सेवा कार्य किया है। इसके अलावा समय समय पर प्राकृतिक आपदाओं से आमजन को राहत भी पहुंचाई है। ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो आज मशाल लेकर भी खोजने पर नहीं मिलते हैं। क्या भारत सरकार की दृष्टि में ऐसा विरल व्यक्ति भारत रत्न पुरस्कार की कसौटी पर खड़ा नहीं उतरता है?